आपको शायद उसके बारे में जानकारी है, इस पर आपकी कुछ राय? सर देखिए, यहाँ तक कि अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव ने पवन सिंह को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पे। क्या बात है, अभी तो ऐसा मुझे नहीं पता है। ऐसा हुआ होगा तो शायद आपको पता होगा, ऐसा मुझे नहीं पता है। लेकिन चाहे पवन जी हो, रितेश जी हो, और चाहे बड़े भाई खेसारी जी हो, या जो भी हो, वो हमें बड़े भाई कहते हैं, हम उन्हें बड़े भाई कहते हैं, हमारा यही रिलेशन चलता है सबके साथ। वो लोग अपना अपना मुकाम एक बड़े स्टैंड पे खड़ा किए हैं, और मैं उनका एक छोटा भाई हूँ, सब लोगों का, चाहे बड़ा भाई हूँ, जो भी हूँ। वो ज़्यादा अपने बारे में जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या हो सकता है, वो मुझे नहीं पता है। बट मेरे लिए सभी आदरणीय हैं। दिनेश जी ने बोला है कि हम दोनों को मिल के समझाएंगे, आप कुछ करेंगे दोनों को? सर देखिए, अगर किसी बात की कोई समझदारी होती तो समझाने का समझ में आता है। ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसको समझाना और उलझाना है। ये तो चीज़ें क्यों हो रही है, मैं बोला तो आपको, वो पर्सनल चीज़ें हो सकता है, पर्सनल लेवल पे हो। लेकिन जहाँ तक बात खेसारी जी की रही, तो मैं इसमें झूठ क्यों बोलूँ मीडिया में। मेरे गाने अगर अच्छे गए तो अभी दो दिन पहले मुझे खेसारी जी, भले पहले विश ना किए हों, लेकिन जब इंडिया में आए और अभी वो जैसे उनका फ्री हुए, तो एक दिन मुझे वो फ़ोन किए, हमारी बातचीत हुई, मुझे बधाई भी दिए, और उन्होंने एक ही लाइन बोला कि जो उनका लैंग्वेज है, स्टाइल है, कि बाबा बहुत अच्छा, और उरा बहुत अच्छा कर रहल बनी, तो और आगे बढ़ी और हमनी के एकदम सपोर्ट रही। फिर वो जो बीच में आया, वो लाइव हुआ है, मैंने सुना। लेकिन ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बात जानिए कि कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हुई है अभी, कि हमारे इंडस्ट्री में अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। ये मानिए चाहे मत मानिए, खेसारी जी भी बोले थे और मैं भी बोल रहा हूँ, किसी का गाना अगर बज गया यार, ऐसे आप इनका उनका पोस्टर उठा के बर्थडे विश करते हो, बातें करते हो, मुँह पे आओगे तो बोलोगे अरे भाई जय माता दी, माई खूब आगे बढ़ावस, अभीतर में माई नीचे धंसावस। यह दुनिया है ये, माने हम इसको अगर भोजपुरी लाइन में बोलेंगे तो चापलूसी की हद हो गई। खेसारी जी ने बोला था, जब मेरे गाना हिट होता तो कोई सेलिब्रिटी मुझे फोन करके बधाई नहीं देता है, कोई वीडियो नहीं बनाता, लेकिन हर दूसरे दिन अगर दूसरे किसी के गाना जब रिलीज होता है तो हर आदमी बधाई देता है। इस पे आप क्या कहेंगे, और किस किस का बधाई आपको मिला था जब गाना हिट हुआ था? मुझे किसी का बधाई नहीं आया है, सिर्फ खेसारी लाल ने अभी 3 दिन पहले बधाई दिया है। मैं भी एकदम सत्य बोल रहा हूँ, और इस भोजपुरी इंडस्ट्री का या तो कहिए कि मैं सीधा सीधी ठेठ भोजपुरी बोलता हूँ, ठेठ भोजपुरी में कहें तो अभागा ओकरा कहल जाला। अभागा कहल जाला मतलब कि सब जानते हुए, सब देखते हुए हम चुपचाप रही ले, हम बहुत कुछ देखी ले, हम एजा चापलूसी के पूरा चरम सीमा देख रहा बनी, चापलूसी के चरम सीमा कैसे होला, ठीक न। केकर पोस्टर पोस्ट करब तो भोरे भोरे तारा के कॉफी पिया, यो करे पोस्टर पोस्ट करे के बा, जे तारा के मारे कुछ आगे कुछ दी ही, जे सक्सेस बा, जे अच्छा बा, ओकर करे के नहीं, ओकर कह दे बता देता, दो लोग जान ज्यादा जान जाई, भैया मत करो तारा के, नेता के हो देता है, लेकिन कम से कम ओकर विरोध मत करो। हिंदुस्तान में महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, और एक सुपरस्टार ने किसी हीरो, बड़े हीरोइन के, मतलब महिला वो भी गिनती आती है, उसका अपमान किया है भरी सभा में, तो आप क्या महिलाओं किस नजर से देखते हैं? देखिए सर, हमारा अगर हमारा देखिए, हमारा जो काम है वो सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट करना। अनरिस्पेक्ट कोई किसी का कर दे वो अपनी बात होती है, वो नाराजगी होता है, गुस्सा होता है, लेकिन ये है नहीं हमारे हमारे रूटीन में, ये है नहीं कलाकार के रूटीन में। सिर्फ एक ही चीज़ है कि हर लोगों को हंसाओ। भैया आपका दशहरा, दिवाली, कुछ भी आता है, आपके घर में फंक्शन होता है तो आपके घर में हम जाते हैं ना द्वार पे भाई प्रोग्राम करने। हमारा एक ही ड्यूटी मिला है, सरस्वती ने हमें एक ही वरदान दिया है कि जितने लोगों को खुश रख सकते हो रखो, सैड में भी तुम ही गाओ, हंसी में भी तुम ही गाओ, तुमको सिर्फ गा के सबको बहलाना है और दूसरा ड्यूटी नहीं है। ज्यादा दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो एक दिन होता है, फिर दो दिन बाद सब ओके होता है, बातें होती रहती है, हवाएं उड़ते रहती हैं, तूफान आते रहते हैं, बारिश होते रहती है, सब होगा।
बट आप लोग भी इतना एक्साइटेड हो के यूट्यूब और फेसबुक पे गाली देना बंद कीजिए थोड़ा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सब समझदार हैं। आप लोग जितने आराम से माँ की और बहन की मतलब गाली दे के निकल जाते हैं, कभी एक बार सोचिए भी तो भैया क्या बिगाड़ा है सामने वाला, उसकी माँ बहन ने क्या बिगाड़ा जिसको गाली दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको नाराजगी है, आप सामने वाले सिंगर को पर्सनली बोलिए कि हाँ सर आपका ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। किसी के माँ बहन का गाली मत दीजिए भैया, ये मेरा रिक्वेस्ट है किसी भी कलाकार।